वो क्या हो रहा है, पेड़ को उठा के लेके जा रहे शायद। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो समझते नहीं है। अभी भी देखो ना, यहाँ हेलमेट पहन के नहीं चला रहे लड़का लोग। आ गया, ओ बाप रे बाप, पूरा रोल में है लड़का। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। सो गाइस, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा बीच में ना बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, एकदम छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गया था और यहाँ सिर में भी चोट लगा था। इस वजह से हम एकदम मतलब हेलमेट पहन के ड्राइव कर नहीं पा रहे थे। तो गाइस, फिलहाल अभी रिकवर हो गए हैं पूरी तरह और आज चलते हैं मस्त एक एडवेंचर करने के लिए। और मेरा दोस्त भी घर गया हुआ था गंगा, वो भी आ गया है। आज चलते हैं मस्त एक राइड में और दिखाते हैं आप लोग को मस्त एक न्यू ब्लॉग। तो गाइस चलिए, अब आते हैं मोटो ब्लॉग सेटअप में और आप लोग को दिखाते हैं आगे चलते हैं। कराते हैं और गाड़ी में हवा भी नहीं है, हवा भी डलवा लेंगे। फिर उसके बाद चलते हैं अपने दोस्त के घर, गंगा के घर। और अब्दुल भी आ रहा है, मेरा दोस्त। शायद इसको बहुत कम देखेंगे आप लोग ब्लॉग में, बट आज आ रहा है, उसको भी जाने का मन किया, तो उठा लेते हैं उसको भी और चलते हैं मस्त एक राइड में। एक डैम तरफ जाना है गाइस, तो फिलहाल अभी सबसे पहले चलते हैं फ्यूल अप कराते हैं। A few moments later. तो गाइस फ्यूल अप करा लेते हैं। देखिए क्या, तो अब थोड़ा हवा डलवा लेते हैं। तो अब गाड़ी पूरा तैयार है भागने के लिए, अब चलते हैं सीधा गंगा के घर, गंगा को लेते हैं। और उधर से अब्दुल आ रहा है, उसको मानगो पुल से उठाना है। ओ भाई साहब, किधर जाना है, यही सबसे बहुत डर लगता है गाइस, कब कहां से गाय घुस जाएगा पता नहीं। तो बहुत दिन बाद राइड में निकल रहे हैं, गाड़ी थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे से, कि जब से एक्सीडेंट हुआ है ना गाइस, मेरे अंदर थोड़ा डर लग गया है। क्योंकि जब जब दिसंबर का लास्ट आता है, तब तब मेरे साथ कुछ ना कुछ होते रहता है। और ये मेरे साथ क्या, बहुत लोगों के साथ होता होगा। अभी हम हाल फिलहाल में ही दुर्गा पूजा में देखें, आदित्यपुर तरफ पुल है एक ठो, वहाँ पे विसर्जन के लिए आए थे बहुत सारे लोग, और विसर्जन के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पे ना गाड़ी मतलब पीछे आदमी लोग है और गाड़ी ना रिटर्न आने लग गया। बताइए, इतना भयंकर इंसिडेंट हुआ ना, उसमें डेथ कौन किया, जो बाजा वजा बजाते हैं वही लोग डेथ कर गए ज़्यादा से ज़्यादा। बताइए क्या कसूर था, वो लोग भी दो पैसा कमाने आया था, बट क्या करेगा, किस्मत कहाँ है, किसके ऊपर है, कोई नहीं जानता गाइस। इसलिए हमेशा सेफ्टी से रहिए, बी केयरफुल, और सबको ध्यान से रहने बोलिए। अपने आसपास अगल बगल जैसे भी सीन होता है ना गाइस, तुरंत इन्फॉर्म करिए और बताइए सबको। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो समझते नहीं हैं। अभी भी देखो ना, यहाँ हेलमेट पहन के नहीं चला रहे लड़का लोग। देखो मेरे साथ भी यही हुआ था गाइस, मेरा गलती यही था कि हम हेलमेट नहीं पहन के निकले थे। अगर हेलमेट पहन के निकलते तो आज मेरा सिर में चोट नहीं लगता और हम सेफ रहते हैं। गंगा के फ्लैट पहुंच चुके हैं और इसको उठाते हैं, बुलाते हैं नीचे, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं एक मस्त राइड में। 2000 years later. गंगा को तो ले लिए हैं, अब अब्दुल को उठाते हैं आगे चल के। मानगो गोल चक्कर में अब्दुल खड़ा होगा, उसको भी उठाते हैं। जमशेदपुर का मानगो बस स्टैंड, सभी जगह के लिए गाड़ी मिल जाएंगे, धनबाद, बोकारो, रांची, बिहार, सब जगह के लिए यहाँ गाड़ी मिल जाएंगे गाइस। गाइस यहाँ देखो चेकिंग चालू कर दिया है लोग, प्रशासन लोग। तो अब्दुल आ गया है, वहाँ आगे में खड़ा हुआ है गाइस, अब हम उसको लेते हैं फिर निकलते हैं मस्त घूमने के लिए। अरे देखिए अब्दुल खड़ा पेड़ के सामने में, आ गया आ गया, ओ बाप रे बाप, पूरा रोल में है लड़का, नया जूता, ओ चलो चलते हैं। ये आगे भी फिर से चेकिंग चल रहा है भाई साहब, जमशेदपुर में ना भाई बहुत भयंकर चेकिंग चलता है भाई। हमको लगा तुम हेलमेट नहीं लगाया। फिलहाल अब डिमना गोल चक्कर से हम लोग को राइट लेना है और इसके बाद फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे मस्त एकदम ही स्पीड में। बहुत दिन बाद गाइस हाईवे पे आए हुए हैं और आज तो मज़ा आने वाला है गाइस, आप भगाते हैं गाड़ी यहाँ।
मेरा मीटर भी काम नहीं कर रहा है गाइस, पेट्रोल भी नहीं दिखा रहा है और मीटर भी नहीं काम कर रहा है। जब से एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से हम इसमें गाड़ी में ना खर्चा बहुत है, तो इसको आराम से बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। तो चलते हैं गाइस, स्ट्रेट रोड है, गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। ओह, जल्दी पहुँच जाएंगे हम लोग यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। इन बात गाइस बाहर निकले हैं कहीं घूमने के लिए और बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे ही ड्राइव करते रहने का मन करता है गाइस, खाली हाईवे में घूमते रहे। भाई साहब, मेरे पास अगर पैसा ही पैसा रहता है ना गाइस, हम तो पूरा जम मतलब क्या पूरा ऑल इंडिया मतलब बाइक में टूर करते और आप लोग को दिखाते। बट पैसे ही पे आके मेरा सारा बात रुक जाता है, पैसा नहीं है इस वजह से हम हर जगह नहीं घूम पाते। अगर गाइस मेरे पास पैसा ही पैसा आएगा ना, तब देखना मेरा रोल। तो गंगा अपने गाड़ी में फ्यूल अप करा रहा है। चेक करो गाइस, आगे तीन जन ट्रिपलिंग लोड जा रहे हैं, लेकिन किसी का सर में हेलमेट नहीं है गाइस। ये बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए, ये लोग को हेलमेट पहन के चलना चाहिए गाइस, लेकिन कोई हेलमेट नहीं लगाया। भाई ट्रिपलिंग नहीं, चार जन है। ओ भाई साहब, गाइस देखिए, ये मंदिर बहुत फेमस होते जा रहा है यहाँ जमशेदपुर में, एक आलूडी तरफ। A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग गांव वाले रास्ता घुस चुके हैं और गांव वाले रास्ते में अंदर निकल रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा ऑफ रोडिंग रोड है और हम लोग को यहाँ थोड़ा धीरे धीरे चलना है। यहाँ से करीब 23 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, तो फिलहाल ऑफ रोडिंग रोड का मज़ा लीजिए और हम लोग भी मज़ा ले रहे हैं। चेक करिए गाइस, क्या सुंदर लग रहा है, दोनों तरफ पेड़ रोड में झुक गया है और क्या व्यू दिख रहा है गाइस, मस्त लग रहा है। यहाँ पे तो कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक किया जाएगा। गाइस कौन सा गाड़ी है, कितना मस्त लग रहा है। ओ भाई साहब, सामने वाला पहाड़ चेक करिए गाइस, क्या सही लग रहा है। और गाइस हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं बिरवडी डैम। गाइस ये देखिए, यहाँ से बिरवडी डैम स्टार्ट है और यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, आप लोगों को रोक के दिखाते हैं, हो सके तो आप लोग टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से बिरवडी डैम स्टार्ट है गाइस, चलते हैं आगे और देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो फिलहाल देखिए, यहाँ कुछ कुछ लोग अपना दुकान तैयार कर रहे हैं, मुर्गा यहाँ कटता है और यहाँ होटल वोटल खुला हुआ है और यहाँ बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं और यहाँ पूरा दुकान खुला हुआ है गाइस। देखिए बहुत सारे लोग पहले से आए हुए हैं, हम सोच रहे थे कि हमें लोग आए हुए हैं पहले, बट यहाँ पहले से लोग आए हुए हैं। ओ भाई बहुत भीड़ है। सो गाइस, तो अभी हम लोग बिरवडी डैम पहुँच गए हैं और यहाँ बैठे हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे और आप लोग को यहाँ का बिरवडी डैम का एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या है और क्या डेंजर है, क्या खतरा है, सब कुछ दिखाएंगे। तो पहले नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिया है, अब निकलते हैं आगे डैम की तरफ, जिस तरफ अब हम लोग जाएंगे और आगे का व्यू कैप्चर करेंगे। फिलहाल अब निकलते हैं आगे में। तो ये रहा गाड़ी हम लोग का। हम लोग डैम के सबसे एंडिंग में खड़े हुए हैं और आप लोग को यहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ से पानी भर जाने पर इस डैम में पानी भर जाने के बाद यहाँ से बह के इधर गांव का इधर खेत तरफ जाता है। वो आगे का व्यू देखिए कुछ इस तरह है। इस गाड़ी का व्यू देखिए, क्या सही लग रहा है, क्या जबरदस्त दिख रहा है गाड़ी, क्या मस्त लग रहा है। गाइस ये देखिए, ये चेक करिए क्या है, गंदा हो गया बेचारा, तो साफ सफाई कर पूजा कर रहे हैं गाड़ी का। तो चलो फिलहाल चलते हैं हम लोग, थोड़ा नीचे घूमते हैं फिर उसके बाद निकलेंगे आगे की तरफ। हेलमेट तो भारी रहता है बट क्या करें, हेलमेट को लेके जाना ही होगा। तो गाइस व्यू चेक करिए आगे का और हम लोग उतर रहे हैं नीचे। ये यहाँ का व्यू कुछ इस तरह है, 360 ले रहे, 360 देखिए। झड़के मौसम ने भी रंगी चनारों जैसी झमके सन्नाटों में तू भी ना
कर रही हूँ, शूट हो रहा है लोग का। तो कैसे लगा रही शूट करते हुए? बढ़िया बढ़िया, देखिए क्या। तो चलो गाइस अब चलते हैं आगे, हम लोग उधर जाएंगे। दोस्त लोग आए हुए हैं, वो लोग के साथ थोड़ा मिलते हैं, वीडियो लेते हैं, उधर का वीडियो लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो फिलहाल अब हम लोग निकलते हैं आगे, और आगे चल के वहाँ कुछ दोस्त लोग आए हैं, वो लोग से मिलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना घर के लिए निकलेंगे। ये रहा दोस्त लोग, पूरा रील शूट हो रहा है भाई साहब, बहुत भयंकर टाइप से। और भाई क्या हाल है? मस्त भाई, लोग रील शूट कर रहे हैं, सब कोई अपना अपना गाड़ी से। तो आपको दिखाते हैं यहाँ सामने से पानी कैसा है। गाइस देखिए, चेक करिए, पूरा साफ पानी है। तो यहाँ भाई लोग रील शूट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग भी निकलेंगे यहाँ से। और गाइस ये चेक करिए, ये R15 क्या सही लग रहा है। और गाइस और एक R15 है ब्लू कलर में, वो दिखाते हैं आपको, ये चेक करिए। गाइस ये देखिए पल्सर का लुक कुछ इस तरह है। और देखिए यहाँ भाई के चैनल नाम नेम दिया हुआ है, चैनल नेम गाड़ी देखिए कुछ ऐसे दिखता है पल्सर। तो ऐसे भाई लोग से मिल लिया, ये लोग रील शूट कर रहे थे। सुबह 5 बजे से सब निकला हुआ है, 5-6 बजे से, हम लोग 5-6 बजे से निकला हुआ है सब भाई लोग, और अभी तक ये लोग यहीं पे है। चेक करो गाइस, आगे से भी बहुत कोई लोग अभी भी आ रहे हैं यहाँ डैम में पिकनिक के लिए। गाइस बैलगाड़ी क्या मस्त लग रहा है, तो क्या हो रहा है, पेड़ को उठा के लेके जा रहा शायद। यहाँ देखिए पेड़ को उठा के लेके जा रहा, क्या कर रहा है। ओ भाई साहब भयंकर भीड़ है यहाँ, क्या पेड़ है, कुछ पेड़ तो है गाइस, क्या सही लग रहा है। तो अब हम लोग डिमना चौक पहुंच चुके हैं, अब यहां से हम लोग लेफ्ट लेंगे और अपने घर की तरफ से आएंगे। फिलहाल यहां चेकिंग चल रहा है गाइस, ये चेक करो। अब अब्दुल आ रहा है यहां से घर जाएगा। ओ भाई साहब, हाँ क्या हुआ, हालत खराब हो गया क्या? मिलो बच्चों के लिए जी बच्चों, ओले ओले, चलो चलो गेट खोलने तो, गेट खोलने तो। तो देखिए मेरे सामने कौन आया है, मेरा बच्चों, मेरा ऋषि बच्चों। क्या हुआ क्या हुआ, हाँ इतना प्यार, इतना प्यार, हम क्या देख रहे, देखो 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 क्या है, देखो देखो, चलो चलो अंदर, चलो 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 चलो,